तिरंगा झंडा है और उसके साथ जो है कपड़े वगैरह साथ में, आइए इनको जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इनका इंटेंशन है घूमने का। स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते, मैं मनीष कुमार मौर्य और मैं रहने वाला हूँ एक छोटा सा गांव है गंगापुर। एक रुपये ही है यार मेरे पास, ज़्यादा नहीं है। एक रुपये के नहीं खिलाते? नहीं खिलाते, देख लो यार हो जाए तो। चलो 2 रुपये खिला दो, 10 खाइए या 20। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। ये कौन सी जगह है? दलसिंहसराय। मैं जहाँ पे रुका था तो थोड़ी देर पीछे रुका था दलसिंहसराय से, और अभी मैं दलसिंहसराय में हूँ। तो यहाँ पे बैठ के पी रहे थे चाय, और हमारे भैया लोग यहाँ पे मिले तो चाय पी के और यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि आज हमें सोनपुर तक पहुँचना है। यहाँ पे मैं रुका था बैजू बैजनाथ रेस्टोरेंट ढाबा, ये क्या होता है दलसिंहसराय में, हमारे भैया लोग तो यहाँ पे चाय में पिलाए, और यहाँ से अब हम निकलेंगे, क्योंकि जितना लेट होगा ना उतना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें सोनपुर तक पहुँचना है कम से कम 80+ किलोमीटर। तो निकलते हैं फिर यहाँ से। अरे नमस्ते। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और अभी स्टेकी देंगे आगे वाले ढाबे पर, तो वहाँ पर खाना वाना खाएँगे और इसके बाद वहाँ से निकलेंगे। तो अभी तो फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं, लेट्स गो। ओहो क्या है भाई, कितने खिला रहे हो? 10 के। 10 का 6 है और 1 रुपये की? 1 रुपये के नहीं, पहले मिल रहा है। 1 रुपये की नहीं खिलाते हो? खिला दे यार, 1 रुपये ही है यार मेरे पास, ज़्यादा नहीं है। 1 रुपये के नहीं खिलाते? नहीं खिलाते, देख लो यार हो जाए तो। चलो 2 रुपये खिला दो, 10 खाइए या 20। इससे कम का नहीं खिलाओगे? सब तो यार गलत बात है, हम सोचे यार भाई खिला देगा 1-2 रुपये की। तो भाई यहाँ पे खाते हैं पानी पूरी, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? गुपचुप। गुपचुप, तो हम यहाँ पे खा रहे हैं गुपचुप। तो भाई एक बात कहूँगा आपसे कि अगर कोई आए ना इस हिसाब से बोले तो समझ जाना कि उसके पास शायद पैसा ना हो, तो यार ऐसे ही खिला देना, ठीक है? मेरे पास खिलाना, मेरे पास पैसे बहुत है, पैसे हैं बात पूछे भैया, जान पूछे बोला ना, मजाक की हमसे, हम भी समझ गए, बताइए अब तो 1-2 रुपये बोले हम समझ गए। नहीं नहीं, ऐसा होता ना कि बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता है, बात यह है, जो लंबा सफर कर रहा है, इच्छा होता है लेकिन खा पी नहीं पाते, बस इसलिए हम लोग की बाकी जो आता है 10-20 कुछ है भैया बताइए। बिल्कुल भाई, थैंक यू यार। आज इसको भी बैटरी इसमें डाल ही देते हैं, क्योंकि यार कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ती है ना, तो हॉर्न भी नहीं बजता यार, क्योंकि बैटरी इसकी पूरी डेड हो गई एकदम से। तो आज इसको भी चालू कर ही लेते हैं, ये छोटा वाला है ना, इससे भी छोटा? नहीं नहीं, ये शायद लग जाएगा। बैटरी यार इसकी पूरी डेड हो गई थी, और अभी देखते हैं, हमको लग रहा है कि यही खराब हो गया क्या। चलो भाई इसका यार, ये अभी तो लग रहा है कि पूरा ख़राब हो गया, क्योंकि ये बज नहीं रहा है, बच्चे इतने छेड़ते रहते हैं यार, जहाँ पे खड़ी कर दो ना उंगली करते रहते हैं, तो या फिर इसके स्विच में प्रॉब्लम है या फिर अंदर प्रॉब्लम है, अब इसको खोलने पे पता लगेगा। तो अभी तो फ़िलहाल खोलने का टाइम नहीं है, अब कभी फुर्सत में इसको खोलेंगे। लेकिन भैया को बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने फिर रिटर्न ले लिया है, नहीं तो खुलने के बाद तो बैटरी हमें लेनी थी, लेकिन वापस ले लिए। और यहाँ से भी हाजीपुर 40 किलोमीटर है। ओहो क्या हाल है भैया, पूरा लुक में कहाँ जा रहा है? अभी तो यूपी जा रहे हैं। यूपी? हाँ यूपी, तो को सेल्फी हो जाए। बिल्कुल अधिपति लगाए हुए कैमरा,
और कितना किलोमीटर जा रहे हैं आ रहे हैं, इससे वीडियो बनता है। रुकिए आप शादी नहीं किया? शादी करते तो ये सब फ्रीडम थोड़ी मिलती है। अब तक करवा चौथ और छठ शादी घर पे मना रहे हैं। साथ में देख सकते हैं आप जो है इनका तिरंगा झंडा है और उसके साथ जो है कपड़े वगैरह साथ में। आइए इनको जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इनका इंटेंशन है घूमने का। स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते, मैं मनीष कुमार मौर्य और मैं रहने वाला हूँ एक छोटा सा गांव है गंगापुर। मेरा ब्लॉक मिप्रो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बहराइच और उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। और ये अपनी जर्नी, ये राइड जो मेरा है अभी मैंने शुरू किया था दार्जिलिंग, अभी तो दार्जिलिंग से आ रहा हूँ। लेकिन स्टार्टअप किया था मैं भूटान जाने के लिए, लेकिन भूटान में किसी कारणवश एंट्री हमें नहीं मिल पाई। थोड़ा होगा अब भूटान की गवर्नमेंट का कुछ और ही रूल होगा तो एंट्री नहीं मिल पाई हमें। तो वहाँ से अब हम बैक आए तो सिलीगुड़ी, और ऐसे अब वापस जाना अच्छा नहीं लगा। नेपाल में कहाँ कहाँ घूमे? नेपाल में तो अभी ज्यादा हम नहीं घूमे। नेपाल में कपिलवस्तु, लुम्बिनी, उधर नेपालगंज और दांग लम्बिनी। मैंने भगवान बुद्ध का जो जगह है वहाँ पे आपने घूमा? अच्छा, वहाँ पे घूम के आए हैं। अच्छा, इंडिया में कितने जगह घूमे आप? इंडिया में तो अभी हम उधर निकल गए थे बाघा बॉर्डर साइड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, और इधर बिहार, पश्चिम बंगाल, इधर दार्जिलिंग। ये इंडिया में मतलब लगभग 10-15 राज्य घूम चुके हैं। हाँ, इतना हो जाएगा। पूरा इंडिया तो पहले घूमना है? इंडिया तो जैसे हमें आउट ऑफ कंट्री घूमना है तो आउट ऑफ कंट्री जाते जाते तो इंडिया वैसे साइकिल से आप कैसे जा सकते हो? साइकिल से जा सकते हैं। परमिशन मिलेगा तब ना? परमिशन मिलेगा, उसके लिए जो भी पासपोर्ट वासपोर्ट है सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, तो जहाँ पे जिस चीज की जरूरत होगी वहाँ पे। अच्छा, अच्छा ये बताइए ढाबा पे खाना पीना का खुद का खर्चा लगाते हैं या? जैसे बहुत ऐसे ढाबा वाले हैं जो पैसे वैसे नहीं लेते हैं। और बहुत लोग रास्ते में हमें हेल्प भी करते हैं। अच्छा, और कहीं कहीं ले लेते हैं तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अच्छा, पे अच्छा ये अभी तक में आपको कितना खर्चा हुआ अपना जेब से? अभी तो फिलहाल जब से मैं ये सब शुरू किया हूँ कम से कम 1 लाख प्लस में खर्चा हो गया, क्योंकि ये सब सारा सेटअप साइकिल और ये सब कैमरा वैमरा। अच्छा, ये सब लगा के कर रहे हैं? हाँ। आपको घूमने में कितना पर्सनल खर्च? घूमने में जैसे एक दिन का मिनिमम 300 रुपए खर्चा था। अच्छा, तो अब तक कितने लोग लगभग आपको डोनेशन किए? अब तक तो लगभग ज्यादा लोग नहीं लिख किए, लेकिन फिर भी लगभग 8-10 लोग डोनेशन किए। अगर कोई भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनसे विनती रहेगी कि इनको डोनेट जरूर करें, इन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि ये अपने लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इंडिया का जो है पहचान लेके जा रहे हैं, इसलिए कहता है कि हमारे इंडियन लोग में जो है एक अलग एनर्जी होती है, खून में शक्ति होती है, खास करके यूपी बिहार के लोगों के अंदर। ओ, अभी आ गए यार पटना। पटना पुल क्रॉस कर रहे हैं, ये पुल क्रॉस करने के बाद सीधा पटना। लेकिन यार ये पुल इतनी लंबी है ना कि क्रॉस करते करते बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा पुल है यार। क्रॉस तो करना पड़ेगा ना। आज यार दोस्तों बहुत बुरे फंसे हम, क्योंकि आज पटना में गलत रूट पे चले गए थे, उसकी वजह से आज इतना पटना में घूमे ना कि अब क्या बताएं हम। और अभी इतना टाइम हो गया, अभी मैं दानापुर रेलवे स्टेशन पे हूँ। यहाँ से बाहर निकलने के बाद कहाँ हमें ढाबा मिलेगा अभी कुछ पता नहीं है, और कितना देर लगेगा अभी यहाँ से निकलने में वो भी कुछ पता नहीं है। अभी तो यार देख रहे हो स्टेशन पे हूँ, और यहाँ से कब तक बाहर निकलूँगा अभी कोई पता नहीं है। इतनी जाम में आज फंसा हूँ ना मैं, बिल्कुल सिटी में चला गया था अंदर पटना। यार निकल जाए किसी तरह यहाँ से। ओ भाई साहब, मेरा गोप्रो यार डेड हो गया है बैटरी, अभी फोन से शूट कर रहा हूँ। तो यार फाइनली अब जाके मैं पहुँच पाया हूँ यहाँ पे हमें रुकना है। और आज तो काफ़ी लेट हो गया क्योंकि 7 बज गए, 7 बजे हमें जाके ढाबा मिला होटल। और इससे पहले मैं बता दूं कि जब मैं हाजीपुर था ना तो वहां से मेरा रूट आज थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि मैं जिधर से गया था ना हमें आना उधर ही से था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ उसकी वजह से हमारा रूट चेंज हो गया और मैं हाजीपुर से ही गंगा नदी क्रॉस कर लिया और बिल्कुल पटना के बीच में चला गया, जो सिटी है ना उसके बीच में।
इतना घूमा ना पटना के अंदर, इतना घूमते घूमते मेरा दिमाग ख़राब हो गया एकदम से। इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना वहाँ पे कि आते आते हमें बिल्कुल रात हो गया, और इधर दानापुर साइड में हमें कहीं नहीं मिला कि कहीं बीच में रुक जाए। तो दानापुर होते अब जाके हम अभी पहुँचे हैं बिहटा में, और यहाँ पे अभी हम रुक रहे हैं श्री भूषण प्रसाद ढाबा। ये है विष्णुपुरा पैनाठी मोड़ बिहटा पटना। अभी तो ये पटना में ही आएगा, तो आज मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ। भैया हैं, भैया से पूछे हैं तो हमें यहाँ पे रुकने दे रहे, तो बहुत बहुत थैंक यू उनको। और ये भैया हैं हमारे तो आज यहीं पे हम रुकने वाले हैं, और यहाँ से फिर सुबह निकलेंगे। और यहाँ से तो अब आरा ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 35 किलोमीटर होगा ना भैया आरा यहाँ से 30 किलोमीटर। तो आज इसी से समझ सकते हो कि कितना मैं आज साइकिल चलाया हूँ, कि यहाँ से बस आरा 30 किलोमीटर है, और कल हमें आरा रुकना है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद में।